वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर चैप्टर फाइव द अर्ली मैन लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ए टिक द करेक्ट ऑप्शन द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज तो अर्ली मैन की सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी क्या थी ए फूड बी फायर सी पोर्ट्स आंसर इज़ बी फायर उनकी सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी थी फायर अर्ली मैन ने आग की खोज की थी सेकेंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड वेन ही स्टार्टेड ग्रोइंग तो अर्ली मैन का लाइफ कब चेंज हुआ था क्या उन्होंने स्टार्ट किया था जिससे कि लाइफ चेंज हुआ था ए शॉइल बी वाटर और सी ग्रेन्स आंसर इज ग्रेन्स ठीक है थर्ड द अर्ली सेटलमेंट्स वर वैड क्लोज टू ए सिटीज बी रिवर्स सी रोड्स आंसर इज रिवर्स तो अर्ली मैन नदियों के पास बसते थे फोर वॉट डिड अर्ली मैन स्टार्ट मैकिंग आफ्टर सेटल्ड लाइफ बिगन ए क्लॉक बी रोड्स सी बास्केट एंड पोर्ट्स आंसर इज बास्केट एंड पोर्ट्स अर्ली मैन जब सेटल्ड हो गए उसके बाद उन्होंने क्या बनाना शुरू किया तो उन्होंने बास्केट एंड पोट्स बनाना शुरू सेपरेट आंसर टिक द करेक्ट ऑप्शन वन का बी फायर सेकेंड सी ग्रैंड थर्ड बी रिवर्स फोर्थ सी बास्केट एंड पोर्ट्स बी फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट डैस आंसर इज टाइम अर्ली मैन को क्या नहीं पता था टाइम के बारे में नहीं पता सेकेंड द एंशियन मैन एट हिज फूड राव बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ऑफ फायर आंसर इज़ फायर तो जो पहले के आदि मानव थे वो लोग डिस्कवरी फायर डिस्कवरी होने से पहले कच्चा मांस खाते थे ओके थर्ड अर्ली मैन यूज डेज फॉर हंटिंग फिशिंग एंड डिगिंग ठीक है तो आंसर इज स्टोन्स वो लोग हंटिंग फिशिंग और डिगिंग के लिए क्या यूज करते थे तो वो लोग स्टोन्स का यूज करते थे ओके नेक्स्ट फोर द फार्मिंग एंड डैस लाइफ चेंज द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन आंसर इज सेटल्ड फिफ्थ द हंटर एंड फूड गैदर बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर आंसर इज प्रोड्यूसर बी सेपरेट आंसर फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट टाइम सेकेंड फायर थर्ड स्टोन फोर्थ सेटल्ड सी मैच द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ फायर जब फायर की खोज हुई तब क्या हुआ ई कुक्ड फूड ठीक है फूड को कुक किया जाने लगा उसके बाद सेकेंड कैप्स कैप्स अर्ली मैन ठीक है कहाँ रहते थे अर्ली मैन कैप्स में रहते थे गुफा में थर्ड सेटल्ड लाइफ फूड प्रोड्यूसर जब आदि मानव पहले के अर्ली मैन जो थे वो जब सेटल्ड लाइफ हो गए तब उन्होंने फूड प्रोड्यूसर बन गए थे तब उन्होंने फूड का प्रोड्यूसिंग करने लग गए थे ठीक है फोर्थ है अर्ली सेटलमेंट्स तो अर्ली मैन जो थे वो कहाँ सेटल्ड होते थे रिवर्स के किनारे रिवर्स के पास ओके अर्ली सेटलमेंट्स रिवर्स एंड फिफ्थ मोस्ट यूजफुल टूल उनका मोस्ट यूजफुल टूल क्या था उनका हथियार क्या था स्पीयर ठीक है उनका मेन हथियार था स्पीय separate answer match the following first discovery of fire answer cooked food second caps early man third settled food producer four early settlements Reverse. five most useful tool spear spear d answer the following question answer question number 1 why did early man move from place to place early man एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे आंसर द अर्ली मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर वह खाना और पानी के लिए एक जगह से दूसरे जगह घुमा करते थे क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिस्ट थ्री चेंजेस दैट ऑक्योर्ड इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन वैन ही बी ए फूड प्रोड्यूसर ठीक है आंसर द थ्री चेंजेस दैट ऑक्योर्ड इन द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन वैन ही बी ए फूड प्रोड्यूसर ए ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ बी ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फॉर फूड ग्रेन्स सी ही स्टार्टेड लिविंग इन हार्ट जब अर्ली मैन फूड प्रोड्यूसर बने तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ आंसर है तो उनकी लाइफ में जो चेंजेस हुआ उसके तीन लिस्ट बताना है ए ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ तो वे अपने सेटल्ड लाइफ को और आगे बढ़ाने लग गए बी ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स वो फूड प्रोड्यूसर बनना स्टार्ट कर दिए सी ही स्टार्टेड लिविंग इन हट और उन्होंने क्या स्टार्ट किया वो हट में रहने लगे मतलब झोपड़ी में रहने लगे क्वेश्चन नंबर थ्री वाई वॉर अर्ली सेटलमेंट्स मैड क्लोज टू रिवर्स ठीक है वो रिवर्स के पास क्यों रहने लगे ठीक है आंसर द अर्ली सेटलमेंट्स वॉर मैड क्लोज टू रिवर टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग इरीगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन तो अर्ली मैन रिवर्स के पास इसलिए रहने लगे क्योंकि उनका जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनकी आवश्यकता की जो चीज़ है वो पूरी हो सके जैसे कि वाटर फॉर ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए इरिगेशन सिंचाई के लिए और ट्रांसपोर्ट आने जाने का साधन भी हो तो ये सारी चीज़ को फुलफ़िल किया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर विच न्यू एक्टिविटीज़ डिड द अर्ली मैन टेक अप when he started leading a settled life okay answer the new activities did the early man took up when he started leading a settled life were a sowing of seeds watering the plants b making of better tools c making baskets of reeds and clay pots so, तो उन्होंने अपने लाइफ को सेटल करने के बाद बाद कुछ एक्टिविटीज़ भी किए ठीक है थीके? उसमें था कि उन्होंने क्या किया बीज डालना वाटरिंग वाटरिंग द प्लांट ठीक है प्लांट में वाटरिंग करना और क्या किया अच्छे अच्छे टूल्स बनाना चालू कर दिए और तीसरा क्या किया उन्होंने बास्केट बनाना चालू कर दिए रीड्स बनाना चालू किए क्ले पोर्ट्स क्ले पोर्ट port, मिट्टी के घड़े भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था इस तरह से उन्होंने कई एक्टिविटीज की क्वेश्चन नंबर फाइव इन विच वे डिड द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प द अर्ली मैन ठीक है तो कैसे उन्हें हेल्प मिला फायर से आंसर द डिस्कवरी ऑफ फायर हेल्प द अर्ली मैन इन द फॉलोइंग वेज कई तरीक़ों से उन्हें हेल्प मिला ए ही स्टार्टेड ईटिंग कुक्ड फूड उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने खाना को पका करके खाना शुरू कर दिया बी इट गैव हिम वर्थ और इस आग से इस फायर से उन्हें गर्मी मिलने लगी सी इट सेव्ड हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स उन्होंने और जंगली जानवर से भी अपने आप को सेफ किया अर्ली मैन ने आग की खोज की फायर की खोज की जिससे कि उन्हें बहुत सारी मदद मिली सो स्टूडेंट्स कम्प्लीट योर क्वेश्चन आंसर लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वी